हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियल मेमोरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जो बच्चे नए आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर का बटन जरूर जरूर और जरूर दबाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको क्लॉक का बहुत ही बेहतरीन और एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़ना। और जो बच्चे नए आज फर्स्ट टाइम क्लॉक को ही पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो और भी अच्छा है कि आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी, जब हमारे पास कोई एंगल दे रखा होता है, कोई भी कोण दे रखा होता है, उस कोण से हम लोग समय कैसे निकालते हैं। कोई भी एंगल हो, वहां से समय कैसे निकालेंगे उसको देखना है, हम कैसे देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत सवाल से ही करेंगे, सवाल को करने का तरीका बताऊंगी मैं, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी इसकी। इसको करने का एक शॉर्टेस्ट मेथड होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, लंबे तरीके से नहीं, एकदम शॉर्ट। सो क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 95 degrees। मतलब 5 और 6 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा कि दोनों सुई के बीच में 95 एंगल बनेगा। मतलब छोटी सुई या बड़ी सुई, आप बोलिए दोनों सुई के बीच में एंगल कितना बनने वाला है, 95। ये एंगल कब बनेगा ये मुझे बताना है। समझ में आ गया, एंगल दिया हुआ है 95, मुझे समय निकालना है, ठीक। तो देखते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला। देखते हैं, पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। 2/11 a1 प्लस माइनस का a2। लिख लीजिए जल्दी सब लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है समय निकालने का। यहाँ से आपका निकलेगा मिनट्स, क्या निकलेंगे, मिनट्स लिख लेंगे यहाँ से। क्या है फॉर्मूला, 2/11 a1 प्लस माइनस का a2, ठीक। अब a2 क्या होता है, जो एंगल हमें दिया हुआ है कितना है, 95। गिवन एंगल क्या हो गया आपका, जो एंगल हमें दिया हुआ है गिवन एंगल, ये रहा आपका a2, ठीक। a1 क्या होता है, a1 का तरीका बताती हूँ मैं। a1 क्या होता है, हमें क्या पूछा है, 5 से 6 बजे के बीच में, तो छोटा एंगल, छोटा वाला जो समय वो क्या है, 5 है। तो 5 को इंटू का 30, मतलब जो भी छोटा एंगल होगा, छोटे एंगल छोटे नंबर को उठाएंगे, छोटा जो टाइम होगा, 5 और 6 में छोटा क्या है, 5। 5 को 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स है, मल्टीप्लाई बाय 30 है, ये फिक्स है, हर बार 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब निकालते कैसे, 2/11 ये हो गया, यहाँ पे कितना है 5 × 30, फिर प्लस और माइनस का 95, ठीक। निकालिए कितना हो गया, 2/11 कितना हो गया, 5 से 30 150 प्लस माइनस का 95, ठीक। सॉल्व करते आगे की तरफ, देखिएगा कैसे निकलेगा ये, 2/11 तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2, 245, तो ये हो गया, और एक हो जाएगा आपका 2/11 × 5, 49, 10, 11, 12, 13, 14, 5 और आपका बस 55, ठीक। ये हो गया, मतलब दो हो गया आपका, एक हो गया 2/11 × 245/11 और एक हो गया आपका 2/11 55। तो 11, 5 + 55 ये हो गया 10 मिनट्स, और ये हो गया 11। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 10, 4 × 8, 9, 2 × 4, 490 / 11 मिनट्स। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, आंसर क्या हो जाएगा, 5 बज के इतने मिनट्स पे होगा एक एंगल तो बनेगा, और एक बचेगा 5 बज के 10 मिनट पे ही एंगल बनेगा। तो दो समझ में कैसे बने, तो हमेशा हमारे पास दो एंगल बनेंगे, जब भी हमें एंगल दिया हो और समय निकालना हो तो हमेशा हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई भी एंगल 95 हो, 105 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कोई भी एंगल दे रखा हो, आप हमेशा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से दो एंगल ही निकलेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है ना, तो एक बार प्लस से निकलेगा और एक बार माइनस से निकलेगा, हमेशा दो एंगल निकलेंगे। अब इन दो एंगल की भी खास बात है जो अभी हम सीखेंगे, खास बात है इसकी जो अभी हम सीखने वाले हैं, आ जाइए भाई, वो सीखेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ, एक सवाल को यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अभी मैं सिखाऊंगी, इसका प्लस और माइनस का चक्कर भी होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हम सीखने वाले हैं, आ जाइए क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज ए मिनट हैंड 4 मिनट्स बिहाइंड द आवर हैंड। मतलब 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी घंटे की सुई से। यहां आया ट्विस्ट,
यहाँ क्या आया, ट्विस्ट आया। देखो अब मिनट की सुई पीछे होनी चाहिए किससे, घंटे की सुई से, वो भी कितना 4 मिनट्स पीछे होनी चाहिए। इसका एक राज है, इस लाइन का राज है, वो बताऊंगी मैं, एक बहुत ही गहरा राज है इस लाइन का, बिहाइंड द आवर एंड, इतने का इस लाइन को देने का एक बहुत ही गहरा राज है, वो मैं बताने वाली हूँ। अब देखो यहाँ तो एंगल ही नहीं दे रखा, बड़ी दिक्कत है, एंगल नहीं है यार, बड़ा घोर पाप कर दिया भाई। अब पहले तो हम लोग एंगल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है, 6 डिग्री का, तो 4 मिनट में कितना कवर करेगी, 6 × 4 कितना हो गया, 24 डिग्री, कितना हो गया 24 डिग्री, लो बन गया एंगल। तो A1 सबको पता है, A1 क्या होता है हमेशा आपका, A1 फिक्स है, छोटा वाला टाइम, 3 का 30 से मल्टीप्लाई, 3 × 30, फिर प्लस और माइनस 24, ऐसा आप लोग करेंगे, इतना सब कुछ सही है, 3 × 3 = 90 प्लस माइनस 24। अब यहां पे आई मेन बात, यहां पे आएगी मेन बात, वो हमें ध्यान देनी है। देखिएगा यहां एक लाइन दे रखी है, ये सब कुछ सही था, अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती कि 4 मिनट बिहाइंड या पीछे या आगे, ये नहीं दे रखा होता पीछे और आगे का, तो हम ऐसे निकालते हमारे पास 2 एंगल बनते, पर नहीं, यहाँ पे केवल एक ही समय ऐसा होगा, ऐसा एक ही समय होगा जब पीछे होगी, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है 2 एंगल बनते हैं, एक बनता है प्लस वाला, इसको नीचे देती हूँ, इसको इधर लिखती हूँ, हमारे पास प्लस और माइनस का बनते हैं, ठीक है, इनका राज क्या होता है, एक होता है प्लस वाले का राज, एक होता है माइनस वाले का राज। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या, ध्यान देना, मिनट की सुई आगे है, मिनट की सुई आगे है किससे, घंटे की सुई से, ये समझ जाओ आगे किससे होगी, घंटे की सुई से आगे होगी। और नेगेटिव का मतलब होता है मिनट की सुई पीछे है, मिनट की सुई पीछे है किससे, पीछे है घंटे की सुई से, ही तो होगी पीछे, समझ में आ गया। इस प्लस का मतलब ये होता है कि मिनट की सुई आगे है घंटे की सुई से, और इसका मतलब होता है मिनट की सुई पीछे है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ क्या है पीछे है, यहाँ क्या है मिनट की सुई पीछे है, तो पीछे का मतलब नेगेटिव वाला साइन लेंगे केवल, हम लोग कौन साइन लेंगे, केवल नेगेटिव वाला लेंगे, तो 2/11 90 माइनस का 24 लेंगे, कितना लेंगे 90 माइनस का 24 ही लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो कितना हो जाएगा 2/11 × 10 6 गया और 8 × 2 = 66 11 × 6 = 12 मतलब कितना हुआ 3:12 पे ऐसा होगा कि एक ही समय निकलेगा, ये बात आपको ध्यान देनी थी, सवाल समझा दिए। एक में डायरेक्टली एंगल दे रखा था वो हमने देख लिया, एक में हमें एंगल निकालना था वो भी देख लिया, ठीक, एक में सीधा एंगल दे रखा था हमने वो देख लिया, वहां से हम टाइम निकाल लिया, एक में एंगल नहीं दिया होता पहले हमने एंगल निकाला उसके बाद हमने टाइम निकाला है, ठीक, दोनों टाइप के सवाल देख लिए हमने, ये भी देख लिया प्लस का मतलब क्या होता है जब मिनट की सुई आगे हो, माइनस का मतलब क्या होता है मिनट की सुई पीछे हो। हमेशा याद रखना कोई भी एंगल हो सिवाय 0 और 180 के, कोई भी एंगल हो सिवाय 0 और 180 के, उसमें हम लोग ये फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करें, इसमें भी कर सकते हैं पर इसमें मेक नहीं करेंगे, 0 और 180 के अलावा अगर एंगल 0 हो या 180 हो उसके अलावा कोई भी हो एंगल, हम इसी का ही इस्तेमाल करें, इसी फॉर्मूले का, इसी का 0 और 180 निकालने के लिए मैं आपको नया तरीका सिखाऊंगी, उसमें केवल उसका इस्तेमाल करेंगे जो हम सीखेंगे अपने अगली क्लास में, तो अगली क्लास का वेट जरूर कीजिएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें सारे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200 कितना भी एंगल सब निकल सकता है, केवल 0, 180 वो भी निकल सकता है, पर इसको हम वैसे ही निकालेंगे, दूसरा तरीका बताऊंगी उसमें निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो क्लास, आपको लगा हो आपने कुछ नया सीखा है, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तो देखने मत भूलिएगा क्योंकि अगले क्लास में आपको बताऊंगी राज कि 180 और 0 का एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक, टेक केयर, बाय बाय।